नमस्कार दोस्तों, मंजू लता चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम छोला बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली इधर मेरा कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं जा पा रहा था और आपके कमेंट का रिप्लाई भी हम ढंग से नहीं दे पा रहे थे, तो मेंटली तौर पे हम अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं क्योंकि मेरी दादी जो है वो एक्सपायर की हैं और आज ही निकलना था हमें, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत ख़राब है। आप सभी को पता होगा झारखंड बिहार का स्थिति अभी कितना खराब चल रहा है, जिस वजह से हमारा जाना कैंसिल हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं छोला बनाना। तो ये काबली चने को हम पूरी रात पानी में भिगोए हुए थे। कुकर में हम उबले मतलब काबली चने को डालेंगे, पानी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे 2 से 3, और नमक डालेंगे। नमक यहाँ हिसाब से ही डालना है क्योंकि आगे भी हम नमक डालेंगे। और सभी को मिक्स करके कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी लगाएंगे। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, प्याज को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनेंगे। यहाँ हम काबली चने में मतलब बेकिंग पाउडर या फिर सोडा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसका अपना नेचुरल कलर होगा। जब हल्का प्याज भुना जाए तब हम टमाटर को डाल करके भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। यहाँ हम जीरा, काली मिर्च, धनिया, लहसुन, मिर्च और गरम मसाला लिए हैं। सभी को हम पानी डाल करके पीस लेंगे। अब उसी जार में हम भुने हुए प्याज और टमाटर को डालेंगे और इसे भी हम पीसेंगे। कढ़ाई में अब हम तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। जब ये चटक जाए तब हम पीसे हुए मसालों को डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पे मसालों को भुनेंगे। तो जब तेल छोड़ दे मसाला तब हम समझ जाए कि मसाला जो है वो अच्छे से भुना चुका है। अब हम पीसे हुए टमाटर और प्याज को डालेंगे और इसे भी पीसे मतलब भुनेंगे। अब हम यहाँ छोला मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और सभी को मिक्स करते हुए भुनेंगे। नमक यहाँ हम हल्का सा डालेंगे क्योंकि पहले भी हम चने में नमक डाल चुके थे। जब अच्छे से भुना जाए तब हम बॉयल काबली चने को डालेंगे, पानी समेत डालेंगे क्योंकि पानी में भी इसका जो हम गोटा मसाला डाले हुए थे उसका टेस्ट है। और चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। भुना जाने के बाद पानी डालेंगे हम। पानी अपने हिसाब से डालना है, ज्यादा कम, आपको जिस ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डालें। जब अच्छे से खौल जाए इस तरह से, कुछ देर अच्छे से खौलाना है हमें। खौल जाने के बाद इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो इसे आप छोला भटूरे के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठा नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।